अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन लोग दुनिया में ऐसे हैं रोज़े क़ियामत मैं उनसे नफ़रत करूँगा और उनको धुतकार के दूर भेजूँगा, धुतकारूँगा उनको, मेरे से दूर करूँगा उनको। जी हाँ, इन मिन सुभान अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, अबगदकुम मिन्नी व अबअदकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामा। अल्फाज सुने, गौर से सुने, सबसे ज्यादा मैं नफरत नहीं, क़ियामत के रोज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा नफरत किससे करेंगे। सुभान अल्लाह, मेरा लफ्ज बहुत बड़ा है इसलिए इसे गौर से सुनो। नबी नफरत करेंगे रोजे क़ियामत, तो जाएंगे किधर हम, किसके झंडे के नीचे रहेंगे, पानी की प्यास बुझाएंगे कैसे, हौज़े कौसर पर नबी तो बैठे रहेंगे, कैसे पानी पिएंगे हम, अल्लाह के रसूल किसे धुतकारेंगे, दूर भेजेंगे, अब आज दूर करो इसे मुझसे दूर करो। कौन है वो आदमी? अल्लाह के रसूल ने कहा तीन आदमी हैं, तीन चीजें जिसमें पाई जाती हैं, वो तीन किस्म की जो चीजें हैं, वो आदमी, वो नौजवान, वो औरत, वो मां, वो बहन, सुन ले गौर से, नबी उससे धुतकारेंगे, अल्लाह के रसूल उससे नफरत करेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सरतारून, अलमुतशद्दिकून, अलमुतफैहिकून, तीन नाम अल्लाह के रसूल ने लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा आदमी अल्लज़ी युक्सिरुल कलाम फी मजलिसी, जो किसी को बात करने नहीं देता मजलिस में, सिर्फ अकेला खुद बोलता है, सामने वाला जब बोलना भी चाहे उसे बोलने नहीं देता, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मर्द हो या औरत हो, अल्लाह के रसूल उससे नफरत करेंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल नफरत करेंगे। याद रखे मेरे भाइयों, याद रखे मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी नफरत करेंगे। दो लफ्ज हैं, नफरत भी करेंगे, धुतकार के दूर भी करेंगे। सुभान अल्लाह, अस्सरतारून ये लफ्ज है, हो सके तो जाएं आज नमाज के बाद, जाएं जाके ये हदीस लिख के रखें, ये हदीस का टुकड़ा लिख के रखें, मजलिस में जो सिर्फ अपनी चलाता है, किसी को बोलने नहीं देता है, नबी ने कहा यह आदमी, इसमें एक किस्म का तकब्बुर है, यह आदमी मेरे से दूर रहेगा। अल्लाह मुझे बचाए, अल्लाह मेरे भाइयों को बचाए। जी दूसरा लफ्ज अलमुतशद्दिकून, ये दूसरी बार कह रहा हूं, सुमैया मस्जिद में भी मैंने कहा, ये सेकंड टाइम कह रहा हूं, सेकंड टाइम क्या, 100 बार भी बोले तो ना काफी है। अलमुतशद्दिकून ऐसी जबान में बात करे जो सामने वाले की समझ में नहीं आती है। सुभान अल्लाह, ऐसी जबान में गुफ्तगू करे, सुने मेरे भाइयों अल्लाह के लिए सुने, ऐसी जबान बोले सामने वाले की समझ में नहीं आ रही है जबान। इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह यह हदीस कहने के बाद कहते हैं, सऊदी अरब में उनैजा में उनका दर्स होता था, सऊदी अरब में उनैजा में, वो कहते हैं सऊदी अरब के लोगों से, जिसको अरबी जबान नहीं आती है उसके सामने अरबी में बात मत करो, उसे नीचे दिखाने जैसा, उसे नीचे दिखाए जैसा। और अंग्रेजी बोलने वाले लोग, अल्लाह आपकी अंग्रेजी में और बरकत तरक्की अता फरमाए, दिन दुगनी रात चौगुनी अल्लाह भाइयों को जिंदगी और आखिरत में बरकत अता फरमाए। लेकिन अपनी जबान पर कभी गुरूर न करो, हंसो नहीं सामने वाले पर, इसकी लैंग्वेज सही नहीं है, यह सही बोल नहीं पाता है, प्रोनंसिएशन इसका सही नहीं है, हम लोग बहुत एजुकेटेड लोग हैं, सामने वाला जाहिल है, नबी उठा के दूर फेंकेंगे रोजे क़ियामत। ऐसे अल्लाह ने कुछ दिया है, शुक्रगुजारी का जज्बा लेकर आओ, शुक्रगुजारी का जज्बा लेकर आओ। तीसरा, तकब्बुर करने वाला।